दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ड्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों मटकियां लगा दी है हमने, ब्रीडिंग की तैयारी शुरू हो गई है, बर्ड्स ने भी तैयारी शुरू कर दी है, कुछ अंडे भी दे दिए, आपने देखा था काफ़ी मटकियों में अंडे आ गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक फूड दे देते हैं, तो मैं आज एक फूड दे रहा था तो मैंने सोचा वीडियो भी बना देते हैं, आप भी देख लेंगे कि एक फूड कैसे देते हैं परिंदों को। दोस्तों मेरे कुछ वीडियो हैं एक फूड के, पुराने वीडियो हैं कुछ, अब काफ़ी दिन हो गए उन वीडियोज़ को, तो मैंने सोचा कि अब एक और वीडियो बना देता हूँ मैं, तो आप भी देखिएगा कि एक फूड कैसे देते हैं। जिन भाइयों को नहीं मालूम है, जिन दोस्तों को नहीं मालूम है, नए दोस्त हैं, बजरी पालने की शुरुआत करी है या लव बर्ड आपने पाले हैं, तो एक फूड कैसे देते हैं आप देखिए, एक फूड अभी बनाऊंगा आपके सामने। तो दोस्तों एक फूड के लिए लेना है हमें अंडे, और उनको अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे दो अंडे हैं मेरे पास, दो इसलिए हैं कि अभी शुरुआत है, इस मौसम का पहला एक फूड दे रहा हूँ मैं, गर्मियों में बंद कर देते हैं एक फूड, ब्रीडिंग के टाइम पर देते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए दो अंडे मैंने रखे हैं दोस्तों कि अभी शुरुआत है, इस मौसम का पहला एक फूड दे रहा हूँ, तो एकदम ज़्यादा ना दें ताकि, और गर्मी भी हो रही है, अब पानी गिरना एकदम से बंद हो गया है यहाँ पे, तो थोड़ी सी गर्मी होने लगी है, तो एक फूड इसलिए दो ही अंडे दूंगा मैं, और नहीं तो मैं चार अंडे देता हूँ। ये मेरे पास बर्ड्स जो आप देख रहे हैं 80 ये हैं जो आप देख रहे हैं बजरी, और फिशर जो है मेरे पास 20 हैं, तो तकरीबन मेरे पास 100 के करीब बर्ड्स हैं, तो दो अंडे तो कुछ होते ही नहीं है, दो अंडे का तो हम अकेला एक इंसान ही आमलेट बना के खा लेता है, तो एक तरह से ये उनकी शुरुआत भी हो जाएगी, और हम एक फूड दे भी देंगे और आपको मैं बता भी दूंगा कि कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों एक फूड बनाते हैं। दोस्तों मैंने बताया आपको कि अंडे लेना है, और सिंपल है कि ब्रेड लेना है, अंडे लेना है और ब्रेड लेना है, ब्रेड वही जो हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए आप ब्रेड है, अब मैं बनाना बताता हूँ आपको। मैंने बता ही दिया कि अंडों को बॉईल कर लेना है अच्छे से, और अंडों को बॉईल करने के बाद आप ब्रेड लीजिए, और देखिए मैं ब्रेड ले रहा हूँ, और ब्रेड लेके क्या करना है कि ऐसे ब्रेड को हमने रखा अंडे के ऊपर, और ऐसे करके हमें इसको अंडे को छीलना नहीं है, मैं तो नहीं छीलता हूँ, और आप चाहें तो इसे छील के छिलके निकाल के फेंक भी सकते हैं, तो मैं छिलके निकाल के नहीं फेंकता हूँ अंडे के। और देखिए ज़रा में मेरा बहुत जल्दी एक फूड तैयार हो जाता है, बस इसको यूँ रखा और ज़रा यूँ कर कर के इसको मसल देते हैं अच्छे से, और एक फूड जो है तैयार हो जाता है। अब दोस्तों हमने ये दो ब्रेड लिए थे, अब हम चाहें तो इसमें और ब्रेड भी मिला सकते हैं, बस ऐसा है कि कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है कि आपको दो ही लेना है, आपको जितना आसान लगे और जितना अच्छा लगे आपको इतने ब्रेड में बना देना चाहिए। अगर आपके पास कम अंडे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेड में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये तीन ब्रेड ले लिए और काफ़ी एक फूड तैयार हो गया। और दोस्तों इस तरह से हमें बारीक कर लेना है, और देखिए आप मैं हाथ से ही बना लेता हूँ, हाथ अच्छे से धो लेना चाहिए पहले एक फूड बनाने से पहले, या आप बर्ड्स का कोई भी फूड बना रहे हो, अगर हाथ से बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, जैसे पानी में कुछ दवा भी घोलना है तो आप घोल तो सकते हैं हाथ से, लेकिन उसे धो लें हाथों को अच्छे से और फिर उसके बाद बनाएं। तो देखिए कितना बेहतरीन एक फूड बन गया है, और अब हम बर्ड्स को दे देंगे, तो फिशर को भी दूंगा मैं, लव बर्ड को, और दूंगा मैं बजरी को। तो दोस्तों एक फूड के फ़ायदे ये होते हैं कि इससे ब्रीडिंग अच्छी करते हैं बर्ड्स, और एग में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पता ही है अंडे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, सारी चीज़ें होती हैं अंडे में, और बेहतरीन प्रोटीन होता है अंडे में, तो बर्ड्स को ब्रीड करने में इससे आसानी होती है। दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि इसको हमने बारीक कर लिया है, अब चाहें तो आप थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर छिलके रह जाएँ थोड़े बड़े तो छिलकों को तो बर्ड्स खुद ही काट के और खा लेती हैं, तो छिलके अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो ना रखें। और कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चे होते हैं तो तब हमें छिलके समेत नहीं देना चाहिए, बच्चों के चुभ जाता है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, मैंने तो बच्चों के टाइम पे भी छिलकों समेत दिया है। इसमें अपनी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो छिलकों को अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक फूड तैयार हो गया, अब हम फिशर को देने के लिए अलग कर लेते हैं और बजरी को देने के लिए अलग कर लेते हैं, और फिर मैं रख देता हूँ, तो बस सिंपल है और कुछ नहीं है, और मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि आसान चीज़ें हों जिससे आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो, ज़्यादा कोई तामझाम ना हो। तो दोस्तों एक फूड तैयार है, और अब हम चलते हैं बजरी तोतों को रख देते हैं एक फूड।
दोस्तों हमने एक फूड रख दिया है और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि जब एक फूड रखें आप और अगर आपको लग रहा है कि हमारे परिंदों ने पहले कभी एक फूड नहीं खाया है या नहीं खाएंगे ऐसा लग रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले दाना निकाल लें और दाने की ट्रे जैसे मैंने निकालनी है तो दाना आप आधा घंटे पहले निकाल लें और उसके बाद फिर आप एक फूड रख दें और एक फूड रखने के आधा घंटे बाद आप दाना रख दें। चाहे पार्ट्स आपके एक फूड खाएं या ना खाएं, आपको आधा घंटे बाद दाना रख देना है क्योंकि परिंदों को भूखा भी नहीं मार सकते हैं। और ऐसा आप कुछ बार करेंगे तो फिर आपके परिंदे खाने लगेंगे। कोई भी नई चीज़ एक फूड से ही मतलब नहीं है, जब आप कोई भी नई चीज़ की आदत डालना चाहते हैं परिंदों को तो फिर इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये खाने लगे हैं बजरी तोते एक फूड। अभी रखते ही एक डेढ़ मिनट हुआ होगा और ये उतरा है खाने लगे हैं। फिशर थोड़ा देर में उतरते हैं और देखिए अभी गेट खोल के भी दिखाऊंगा मैं आपको। और दोस्तों अब मैं बता देता हूं आपको कुछ काम की बातें। कुछ दोस्तों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अंडे मैंने जो मसले थे तो छिलके समीत ही क्यों मसल लिए थे, ब्रेड में क्यों मैश कर लिए थे। तो दोस्तों छिलके जो होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, अंडे के छिलकों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो अंडे के छिलके जो होते हैं काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं कैल्शियम के लिए और बर्ड्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये कि अंडा क्यों ज़रूरी होता है ये भी आप सोच रहे होंगे, तो अंडे में विटामिन B12 होता है जो और किसी में भी नहीं होता, अंडे और गोश्त में होता है, तो गोश्त तो हम परिंदों को देते नहीं है, तो विटामिन B12 होता है जो कि ब्रीडिंग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और परिंदों की हेल्थ के लिए भी, तो इसलिए जो है अंडा हम देते हैं दोस्तों। और एक फूड कितने बार देना चाहिए, तो एक फूड हफ्ते में एक बार दे सकते हैं आप ठंडे मौसम में, सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है एक फूड, हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। और गर्मियों में ना दें, अप्रैल मई जून तो ऐसे गर्मियों में ना दें, सर्दियों में दे सकते हैं। तो आप दीजिए अपने बर्ड्स को एक फूड अगर आपके यहाँ ठंडा मौसम हो गया हो तो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पर आ जाया करेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।